प्राचीन भारत में कौशल नाम का एक संपन्न राज्य था। उसकी राजधानी थी अयोध्या। सरयू नदी के तट पर स्थित इस राज्य के शासक थे सूर्यवंश के प्रतापी, दयावान, ज्ञानी और धर्मावलंबी महाराजा दशरथ। उनकी तीन रानियां थीं, पहली कौशल्या, दूसरी कैकेयी और तीसरी सुमित्रा। उनकी तीनों ही रानियां पवित्र आचरण करने वाली, पतिव्रता, सुंदर, सुशील, पति की आज्ञा का पालन करने वाली तथा ईश्वर की भक्ति में सतलीन रहने वाली थीं। महाराजा दशरथ के हृदय में भी ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था थी। वह सूर्य देवता के उपासक थे। नित्य प्रातः काल उठकर वह सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के साथ अपने इष्ट देव सूर्य देवता की उपासना किया करते थे, क्योंकि सूर्य देवता से ही उनके प्रतापी वंश का उद्गम हुआ था। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या अपने पूर्व जन्म में कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति थे, जिन्होंने घोर तप से राजा दशरथ और कौशल्या का जन्म पाया था। संसार के सब सुख प्राप्त होते हुए भी महाराजा दशरथ को केवल एक ही अभाव था, संतान न होने का। अतः इसी चिंता में डूबे हुए एक दिन राजा दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्होंने विनीत भाव से प्रणाम करके बोले, गुरुदेव, क्या हम निसंतान ही संसार से चले जाएंगे? क्या हमारा वंश अब आगे नहीं चलेगा? वंश जरूर चलेगा राजन, तुम्हारे पुत्र भी उत्पन्न होंगे, महर्षि वशिष्ठ ने राजा को आश्वासन दिया। मगर कब होंगे ऋषिवर? अब हम वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके हैं, फिर हमें कब संतान प्राप्त होगी? उसके लिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति के निमित्त पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाना होगा राजन। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया। तो कीजिए गुरुदेव, किस बात की देर है? राजा दशरथ ने अधीरता से विनय की, नहीं राजन, उस यज्ञ को केवल श्रृंगी ऋषि ही करवा सकते हैं। उन्हें लाने के लिए तुम्हें एक आश्रम तक पैदल ही जाना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। यह कहकर राजा दशरथ अपने महल लौट आए। दूसरे दिन राजा दशरथ नंगे पांव ही श्रृंगी मुनि के आश्रम जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा और भक्ति भाव से सबसे पहले श्रृंगी मुनि के चरण छुए। उसके बाद उन्होंने मुनि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की हाथ जोड़कर विनती की। तब श्रृंगी मुनि ने अयोध्या पहुंचकर उस यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के सफलता पूर्वक संपन्न हो जाने पर अग्निकुंड से दिव्य खीर से भरा हुआ पात्र हाथ में लिए हुए स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, लो राजन, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया। तुम इस दिव्य खीर के उचित भाग कर अपनी रानियों को बांट देना, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह कहकर अग्निदेव ने खीर का वह पात्र महाराजा दशरथ को दे दिया और वहां से अदृश्य हो गए। राजा दशरथ उस खीर को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि श्रृंगी के चले जाने के पश्चात कुल गुरु वशिष्ठ से अनुमति लेकर महाराज दशरथ दिव्य खीर का वह पात्र लेकर अपने राजमहल पहुंचे और अपनी रानियों को बुलवाया। महाराजा की खबर पाकर महारानी कौशल्या और कैकेयी दोनों दौड़ी चली आईं। महाराज ने उस खीर के बराबर बराबर भाग किए और उसमें से एक भाग महारानी कौशल्या को तथा दूसरा भाग रानी कैकेयी के हाथ पर रखते हुए कहा, महारानी कौशल्या और रानी कैकेयी, तुम दोनों यह खीर खा लो। तभी महारानी कौशल्या और रानी कैकेयी को सुमित्रा का ध्यान आया और उन्होंने तब अपनी अपनी खीर का आधा आधा भाग निकालकर सुमित्रा को खिला दिया। उस दिव्य खीर के प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। यह शुभ समाचार जब महाराजा दशरथ को मिला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उचित समय के पश्चात महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रत्नों की जन्म का समय निकट आ पहुंचा। पुनीत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त के मध्याह्न काल में, जबकि ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी, महाराजा दशरथ की तीनों रानियों ने चार पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या और कैकेयी ने एक एक पुत्र तथा सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के जन्म की सूचना पाकर महाराजा दशरथ खुशी से आत्मविभोर हो उठे। उन्होंने तुरंत बाजे वालों को बाजे बजाने का आदेश दिया। इधर राजमहल में नवजात शिशुओं के रोने की आवाज सुनकर दासियां भी प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगी।
पूरे नगर में आनंद छा गया। अयोध्या नगरी केसर चंदन और कस्तूरी की गंध से महक उठी। चारों ओर मंगलाचार और हर्षोल्लास का वातावरण दिखाई देने लगा। उस दिन सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। नगर को ध्वजों पताकाओं और बंधनवारों से सजाया गया। उस रात पूरी अयोध्या नगरी दीपमालाओं से जगमगा उठी। सोने के थाल और स्वर्ण मंगल कलश लिए हुए स्त्रियों के झुंड नाचते गाते महल की ओर जाने लगे। महाराज दशरथ ने चार पुत्र रत्नों की शुभ सूचना अपने कुलगुरु वशिष्ठ तक पहुंचाने के लिए एक सेवक को भेज दिया। उन्हें विनम्रता पूर्वक राजमहल में आमंत्रित किया गया था। वे ब्राह्मणों सहित राजमहल में आए तो राजा दशरथ ने उनका हर प्रकार से स्वागत किया। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार राजा दशरथ ने सर्वप्रथम नंदी मुख श्राद्ध पूरा किया और उसके बाद उन्होंने सोना गौ तथा वस्त्रादि ब्राह्मणों को दान दिए। इस शुभ अवसर पर श्रृंगी मुनि को भी आमंत्रित करके यथोचित सम्मान दिया गया। लगभग एक मास तक अयोध्या नगरी हर्षोल्लास में मगन रही। तब राजकुमारों के नामकरण संस्कार का शुभ अवसर आया। अतः महाराज दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ को सादर आमंत्रित किया। जब वह सूचना पाकर राजमहल आए तो राजा दशरथ उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे विनती की, गुरुदेव कृपया आप इन बालकों का नामकरण कीजिए। महाराज दशरथ की प्रार्थना पर गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण करते हुए कहा, राजन महारानी कौशल्या का पुत्र सुख का धाम है, इसलिए उसका नाम राम, और रानी कैकेयी का पुत्र जो जगत का पालन करने वाला है उसका नाम भरत, और जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाए, रानी सुमित्रा के एक बेटे का नाम शत्रुघ्न होगा, सुमित्रा का दूसरा पुत्र अच्छे लक्षणों वाला, राम का सहारा परंतु थोड़ा क्रोधी स्वभाव का है, उसका श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रहेगा। इस तरह गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण कर दिया। श्री राम का रंग सांवला है, उनकी कमर में गर्दनी, आभूषणों से युक्त भुजाएं और हृदय पर मणियों का हार है, जिसके बीच लटकन भृगुचरण की शोभा देखकर तीनों माताओं एवं पिता राजा दशरथ का मन मोह उठता है। एक बार माता कैकेयी ने श्री राम को स्नान कराकर उनका श्रृंगार कर दिया, उन्हें पीली झुंगलियां पहना दी। पैरों में पैजनिया पहनकर जब राम ठुमक ठुमक कर चले तो माताएं और महाराजा दशरथ स्वयं उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर हार कर जब कौशल्या अपने पुत्र राम को बुलाती तो वह नन्हे नन्हे पैरों से भाग जाते। जब वह उन्हें पकड़ने दौड़ती तो वे अपने शरीर पर धूल लपेटे हुए दौड़कर अपने पिता की गोद में चढ़ जाते। इसी तरह श्री राम बाल लीलाएं करते अयोध्या वासियों को तथा अपने माता पिता को सुख देते। माता कौशल्या उन्हें दुलारती, कभी पालने में झुलाती तो कभी अपने हाथ से खाना खिलाती। बचपन से ही श्री राम को अपना हितकारी मानकर लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरणों में अपनी सेवाएं समर्पित कर दी थी। चारों भाइयों में श्री राम ही सबसे अधिक सौम्य, सुशील और आकर्षक थे। जब चारों राजकुमार कुछ बड़े हुए तो राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ को बुलवाकर उन चारों का जनेऊ संस्कार करवा दिया। तत्पश्चात उनकी शिक्षा का शुभारंभ हुआ। उन चारों राजकुमारों को सबसे पहले धनुर्विद्या सिखाई गई, इसलिए धनुष विद्या के अभ्यास में श्री राम अपने भाइयों तथा मित्रों के साथ प्रतिदिन बाग में जाकर पेड़ों पर लटके हुए फूलों पर निशाना लगाया करते थे। उन राजकुमारों के निशानों को देखकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न होते। फिर अपने चारों पुत्रों को बड़ा होते देख राजा दशरथ ने एक दिन अपने मंत्री सुमंत को पास बुलाया और कहा, आर्य सुमंत, चारों राजकुमार अब बड़े हो गए हैं, अतः नियमित विद्या ग्रहण करने के लिए आप इन्हें गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आए। जो आज्ञा महाराज, इतना कहकर आर्य सुमंत वहां से चले गए। महामंत्री आर्य सुमंत के मुख से अपने पिता श्री की आज्ञा सुनकर श्री राम ने विनम्र स्वर में कहा, हम अपने पिताश्री की आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे। आर्य सुमंत, तो फिर जाइए और अपनी माताओं से गुरुकुल जाने की अनुमति ले आइए।
कल सुबह हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इतना कहकर आर्य सुमंत वहां से चले गए। उसके बाद चारों भाई एक साथ माता कौशल्या के पास पहुंचे और विनय पूर्वक बोले, माता हम आपसे गुरुकुल जाने की अनुमति लेने आए हैं। यह सुनकर माता कौशल्या का दिल अपने बेटों के बिछोह की कल्पना मात्र से ही व्याकुल हो उठा, किंतु वंश मर्यादा के पालन की मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने कुल के नियमानुसार सादा वस्त्र भिक्षा में देकर रोते रोते अपने महल से उन चारों को विदा किया। तत्पश्चात चारों भाइयों ने माता कैकेयी और सुमित्रा से भी गुरुकुल जाने की अनुमति प्राप्त कर ली। गुरुकुल पहुंचकर चारों राजकुमारों ने सर्वप्रथम वहां के नियम सीखे और फिर गुरु वशिष्ठ के अन्य शिष्यों की तरह वे चारों भाई आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करने लगे। वे जी जान से गुरु की सेवा करते और आश्रम के कठोर नियमों का पालन करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करते। कुछ ही समय में उन चारों भाइयों ने संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया, वत्स, यह संसार तीन देवों की रचना है और वे तीन देव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा इस संसार के रचयिता हैं, विष्णु उसके पालन करता और महेश अर्थात भगवान शिव इस संसार के संहार करता है। मनुष्य के जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य की अवधि जन्म से 25 वर्ष तक की आयु तक, गृहस्थ की अवधि 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ की अवधि 50 से 75 वर्ष की आयु तक और संन्यास की अवधि 75 वर्ष की मृत्यु से समय तक की अवस्था है। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ ने उन चारों भाइयों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, समस्त जीवों में तीन प्रकार के गुण होते हैं, पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। सतोगुण मनुष्य को ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करता है, रजोगुण आदमी को विलासिता की ओर, जबकि तमोगुण बुराई और पाप की ओर आकृष्ट करता है। किंतु राजा को सफल और शक्तिशाली बनने के लिए चार नीतियों का अनुसरण करना पड़ता है और वे नीतियां हैं साम, दाम, दंड और भेद। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें उपरोक्त शिक्षाओं के अतिरिक्त मानव शरीर की रचना तथा उनके गुणों की भी शिक्षा दी और कहा, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का है। यह शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। वे पांच तत्व हैं जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। जब ये तत्व आपस में मिलते हैं तो जीव का जन्म होता है और उस जीव की मृत्यु होने पर ये पांचों तत्व अलग अलग होकर बिखर जाते हैं। इसलिए मनुष्य के शरीर की तुलना मिट्टी से यहाँ की जाती है। इन शिक्षाओं के अतिरिक्त गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को नैतिक शिक्षा भी दी। उन्होंने कहा, हर बच्चे के लिए माता पिता और गुरु ही सबसे प्रमुख होते हैं, अतः उन तीनों की आज्ञा का पालन करने के साथ साथ उसकी भक्ति भाव से सेवा भी करनी चाहिए। हर मनुष्य को सदैव सत्य का आचरण करना चाहिए, झूठ से सदा बचना चाहिए, प्रत्येक जीव से उन्हें प्रेम करना चाहिए क्योंकि प्रेम पुण्य है और घृणा पाप जो जीवन में पुरुष के बीच होती है। भगवान, आपने जो कुछ भी शिक्षा हमें दी है उसका हम चारों भाई आजीवन पालन करेंगे, सदा सत्य का आचरण करेंगे। चारों भाइयों ने शपथ लेकर गुरु वशिष्ठ को विश्वास दिलाया। सामान्य शिक्षा पूरी होने के उपरांत गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को राजा के धर्म एवं कर्तव्यों की शिक्षा देते हुए कहा, तुम सब राजकुमारों, यह सत्य है कि राजा और प्रजा में अंतर होता है। यह अंतर केवल रहन सहन अथवा शासन करने का नहीं है। जिस प्रकार राजा सामान्य जनों से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उसके धर्म तथा कर्तव्य भी उनसे श्रेष्ठ और कठोर होते हैं। वे क्या हैं गुरुदेव? राम ने जिज्ञासा की। सदा स्मरण रहे कि प्रजा का पालन तुम्हारा धर्म है और उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। राजा केवल दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं, उनकी रक्षा करने के लिए है। तुम्हारा दूसरा धर्म है न्याय। न्याय करते समय तुम्हें अपने और पराये में पक्षपात नहीं करना है। जिस प्रकार पिता अपनी संतान में भेदभाव नहीं कर सकता, उसी प्रकार राजा को बिना भेदभाव के न्याय करना होता है। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ कुछ देर को रुके और फिर बोले, वत्स,
इसके साथ ही तुम लोगों की शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम संसार में निज बुद्धि तथा बल के भरोसे कर्म करोगे। चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरु वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ को अपने चारों पुत्रों को आश्रम से वापस ले जाने के लिए संदेश भिजवा दिया। गुरु वशिष्ठ का संदेश पाते ही राजा दशरथ अपने पुत्रों से मिलने के लिए अधीर हो उठे। उन्होंने तुरंत आर्य सुमंत को अपने पास बुलाकर आदेश दिया। आर्य सुमंत, गुरु वशिष्ठ का संदेश आया है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई है, अतः आप गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाकर चारों राजकुमारों को अयोध्या वापस ले आइए। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर आर्य सुमंत जब वहां से जाने लगे तो महाराजा दशरथ ने टोका, और हाँ, आप उन चारों राजकुमारों के राशि वस्त्र ले जाना न भूलिएगा। जी महाराज। इतना कहकर आर्य सुमंत वहां से चले गए। राजमहल पहुंचकर उन्होंने चारों राजकुमारों के राशि वस्त्र भी माताओं से मांग लिए। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा दशरथ से आज्ञा लेकर आर्य सुमंत चारों राजकुमारों के राशि वस्त्रों और आभूषणों समेत गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम में पहुंचकर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और अपने आने का प्रयोजन बताया। आर्य सुमंत की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। मंत्रीवर आर्य सुमंत तुम्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए हैं, अतः तुम चारों अपने वस्त्र उतार कर ये राशि वस्त्र धारण कर लो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वे चारों राजकुमार आर्य सुमंत से अपने अपने राशि वस्त्र और आभूषण लेकर वहां से चले गए। उन चारों भाइयों ने राशि वस्त्राभूषण धारण किए तो उनके कांतिमय मुख से दसों दिशाएं आलोकित हो उठी। थोड़ी ही देर बाद वे चारों भाई राजसि वस्त्र धारण करके पुनः गुरु वशिष्ठ के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हुए बोले, गुरुदेव, हम चारों भाई आपसे घर जाने की अनुमति लेने आए हैं। आश्रम के बाहर आर्य सुमंत हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ वत्स, अब घर जाकर सच्चे हृदय से अपने माता पिता की सेवा करना, सबसे प्रेम करना, दूसरों के दुखों का नाश करना, यही हमारी अंतिम शिक्षा है और इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। गुरु वशिष्ठ ने उन चारों राजकुमारों को अंतिम शिक्षा प्रदान की, हम आपकी दी हुई शिक्षा का पूरी तरह पालन करने में समर्थ हों, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। यह कहकर वे चारों मुनि वशिष्ठ के चरणों में नतमस्तक हो गए। कल्याण हो वत्स। इतना कहकर मुनि वशिष्ठ ने उन चारों को अपने घर जाने की अनुमति दे दी। कितने ही वर्षों के बाद जब चारों राजकुमारों ने आर्य सुमंत के साथ अपने नगर में प्रवेश किया तो उनके सुंदर रूप को देखकर सब नगरवासी मुग्ध हो उठे। श्री राम का सुंदर और सौम्य रूप तो सबको सुख देने वाला था ही, क्योंकि अयोध्या के समस्त नर नारियों, बूढ़ों और बालकों के लिए तो वे उनके प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। श्री राम जिन जिन गलियों से होकर गुजरे, औरतों के झुंड के झुंड उनकी आरती तारने के लिए दौड़ पड़े। पुरुषगण उनका गुणगान करने लगे। श्री रामचंद्र जी के जय घोषों से तो सारी अयोध्या नगरी गूंज उठी। उधर राजमहल में जब दासी ने श्री राम के आश्रम से लौटने का समाचार महारानी कौशल्या, रानी केकई और सुमित्रा को सुनाया तो वे तीनों खुशी से पागल हो उठी। महारानी कौशल्या ने तुरंत अपने गले का हार उतार कर दासी को दे दिया और कहा, ये ले अपना इनाम इस शुभ समाचार को लाने का। उस समय तीनों माताएं अपने पुत्रों को देखने के लिए ललायत थी। महाराजा दशरथ भी अपने चारों पुत्रों को देखने के लिए व्याकुल थे। तभी श्री राम अपने भाइयों के साथ अपने पिता श्री महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उनके चरणों की वंदना करते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में बोले, पिताश्री, मैं आपका पुत्र राम आपके चरणों की वंदना करता हूँ। राम मेरे बेटे। यह कहकर राजा दशरथ ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शेष तीनों भाइयों ने भी अपने बड़े भाई राम का अनुसरण किया तो महाराजा दशरथ ने उन तीनों को अपने हृदय से चिपका लिया और कहा, जाओ पुत्र, अपनी माताओं से भी जाकर भेंट करो, वे तुम्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगी। जो आज्ञा पिताजी। इतना कहकर चारों भाई अपनी माताओं के महल की ओर चल पड़े। चारों राजकुमार सर्वप्रथम माता कौशल्या के पास पहुंचे।
तो वह ठगी सी अपने पुत्रों को देखती रह गई, जबकि माता के कई ने श्री राम की कितनी बलाइयां लेकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और ममता के वशीभूत होकर पुकारा, मेरे राम मेरे पुत्र तुम आ गए। सचमुच माँ बेटों का यह मिलन देखकर स्वर्ग के देवताओं को भी उनसे ईर्ष्या होने लगी। उस समय अगरबत्ती और धूप का सुगंधित धुआं मानो अबीर संध्या की लाली बन गए हैं। महलों की मणियां तारों की तरह और सोने के कलश चंद्रमा के समान राजमहल में जगमगाने लगे। कितने ही वर्षों पश्चात माँ बेटे का मिलन हो रहा था, इसलिए सब माताओं के नेत्रों से ममता की स्नेहमयी गंगा बहने लगी। वे चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उन आंसुओं में माँ की ममता बह रही थी, जिसमें चारों पुत्र आनंद मग्न हो डुबकी लगाने लगे। उस दिन अपने पुत्रों के आने की खुशी में महाराज दशरथ ने अपने खुले हाथों से दान दिया। उस दिन जो जिस प्रकार आया और जिसको जो अच्छा लगा, राजा ने वही चीज उसे दान कर दी। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरे, जवाहरात और अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण इत्यादि राजा दशरथ ने लोगों को दान में दिए। इस प्रकार राजा दशरथ ने सबके मन संतुष्ट कर दिए। महाराजा दशरथ के खुले हाथों दान पाकर सब लोगों ने चारों राजकुमारों को सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया कि चारों राजकुमार चिरंजीव रहे। कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद श्री राम ने अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दी। वह नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने माता पिता को शीश नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते और अपने पिताश्री से आज्ञा मानकर नगर का राजकाज पूरा करते। यह देखकर महाराजा दशरथ मन ही मन फूले न समाते। अयोध्या राज्य की सीमाओं से लगा एक वन था, जहाँ महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था। वहाँ मुनि विश्वामित्र अपने अनेक मुनिजनों के साथ जप तप और योग की साधना किया करते थे, किंतु उस समय राक्षसों का बहुत बोलबाला था, इसलिए मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस वहां आकर उनकी योग साधना में बाधा डाल देते थे और उनके यज्ञ स्थल को अपवित्र कर दिया करते थे। इस बात से मुनिजनों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस तरह से तो ये राक्षस हमारा कोई भी यज्ञ सफल नहीं होने देंगे, अतः आप कोई उपाय कीजिए ना। आप लोग किसी बात की चिंता ना करें, मैंने इन दुष्ट राक्षसों से निपटने का एक उपाय सोच लिया है। अगले दिन महाराज दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों के साथ अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक द्वारपाल ने आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज मुनि विश्वामित्र आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। द्वारपाल की बात सुनकर महाराज दशरथ चौंके और उन्होंने गुरु वशिष्ठ की ओर देखा। महाराज के मुख सोच के लक्षण देखकर गुरु वशिष्ठ बोले, राजन चिंता मत करो, मुनिवर आपसे मिलने आए हैं, उनका आगमन शुभ ही होगा, जाओ उनका स्वागत करो। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर महाराज दशरथ मुनि विश्वामित्र के स्वागत के लिए तुरंत द्वार की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने मुनि विश्वामित्र के चरणों को छूते हुए कहा, आपके चरण कमल पड़ने से आज यह अयोध्या नगरी पावन हो गई मुनिराज। उसके बाद राजा दशरथ उन्हें सादर सत्कार के साथ अपने राज दरबार में ले आए और उनसे गुरु वशिष्ठ के पास ही आसन पर बैठने की प्रार्थना की। विश्वामित्र के पास आसन ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर विनय भाव से पूछा, कहिए मुनिवर मेरे लिए क्या आज्ञा है। राजन राक्षस मेरे यज्ञों में बाधा डालते हैं, जैसे ही पूर्णावति का समय आता है वे वेदी को अपवित्र कर देते हैं, अतः उन राक्षसों से हमारी रक्षा करें और हमारे यज्ञों को सुरक्षा प्रदान करें। यह सुन मुनि विश्वामित्र ने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया। तब महाराज दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को आश्वासन दिया और कहा, मुनि श्रेष्ठ आप चिंता ना करें, हम अपने सैनिक भेजकर उन राक्षसों का विनाश करवा देंगे और अगर मेरी सेवा की जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं राजन, आप केवल राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। वह व्याकुल स्वर में बोले, मुनिवर कहाँ वे भयानक राक्षस और कहाँ मेरे दोनों सुकुमार बालक, वे कैसे उन राक्षसों का मुकाबला कर पाएंगे। तो साफ मना क्यों नहीं कर देते राजन, इस तरह बात बनाकर हमें टालने की क्या जरूरत है,
इतना कहकर मुनि विश्वामित्र वहां से जाने के लिए उठ खड़े हुए और बोले, हम चलते हैं राजन। मुनि विश्वामित्र को इस तरह रूठ कर जाता देख महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आदर के साथ रोका और फिर अपने बराबर आसन पर बिठाते हुए कहा, महर्षि विश्वामित्र, इस तरह रूठ कर आप यहाँ से न जाएं, तो फिर आप ही ने समझाइए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। मुनि विश्वामित्र बोले। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाते हुए कहा, राजन, मोह और आज्ञा को छोड़कर आप दोनों राजकुमारों को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज दें, इससे आपका धर्म और यश दोनों बढ़ेंगे और उन दोनों का भी कल्याण हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ का संदेह दूर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने दोनों पुत्रों को बुलवाया और फिर उन्हें मुनि विश्वामित्र को सौंपते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई थी, अब ये दोनों पुत्र आज से आपकी ही सेवा में रहेंगे। आप तनिक भी चिंता न करें राजन, आपके ये दोनों पुत्र हमसे कुछ पाकर ही लौटेंगे। यह कहकर मुनि विश्वामित्र उन दोनों राजकुमारों को लेकर वहां से चल पड़े। जब वह दोनों राजकुमारों को लेकर वन मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में उनकी ताड़का नामक एक विकट राक्षसी से भेंट हो गई। उसने जब मुनि विश्वामित्र के साथ दो बालकों को जाते देखा तो वह क्रोध से भरी हुई एकाएक उन पर झपट पड़ी। राम संभालो, इसी राक्षसी ताड़का ने पूरे वन प्रदेश में अपना कब्जा कर रखा है, मुनि विश्वामित्र बोले। तब राम ने एक ही बाण से उस राक्षसी ताड़का का वध कर डाला। राम का यह पराक्रम देख मुनि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर उन दोनों भाइयों को दिव्यास्त्रों के प्रयोग की संपूर्ण शिक्षा दी। फिर राम बोले, भगवान, आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ पूरा कीजिए, हम दोनों भाई आपके यज्ञ की पूरी रक्षा करेंगे। आयुष्मान हो वत्स, यह आशीर्वाद देकर मुनि विश्वामित्र अन्य मुनिजनों के साथ यज्ञ में व्यस्त हो गए। उधर मारीच और सुबाहु को जब ताड़का के वध का समाचार मिला तो वे दोनों क्रोध में भरे हुए अपने अन्य साथियों के साथ यज्ञशाला पर जा पहुंचे और उनके यज्ञ को असफल बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगे। वे दोनों यज्ञ कुंड को अपवित्र करने के लिए ऊपर से हड्डियां, मांस और कूड़ा करकट फेंकने लगे। यह देखकर राम ने एक बाण उस यज्ञ कुंड के ऊपर ऐसा छोड़ा जो अटल छत्र की तरह उस यज्ञ कुंड के ऊपर तेजी से घूमने लगा और राक्षसों द्वारा फेंकी हुई चीजों से यज्ञ कुंड की रक्षा करने लगा। हवन कुंड के ऊपर छत्र लगा देखकर वे दोनों राक्षस बौखला उठे और तेजी से मरे हुए जानवरों की हड्डियां हवन कुंड के ऊपर फेंकने लगे, किंतु वे यज्ञ कुंड को अपवित्र नहीं कर सके। यज्ञ के छठे दिन मारीच और सुबाहु अपने अन्य साथियों के साथ उस यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ कुंड को अपवित्र करने की कुचेष्टा करने लगे। उस समय भी दोनों भाई राम लक्ष्मण यज्ञ कुंड के चारों ओर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब राक्षसों को ऊपर से यज्ञ कुंड को अपवित्र करने के लिए हड्डियां फेंकते देखा तो राम को क्रोध आ गया। लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, वो देखो राक्षस, अब ये ऐसे नहीं मानेंगे, आप आज्ञा दें भैया, मैं इनको गाजर मूली की तरह काट डालूंगा। इतना कहकर लक्ष्मण ने अपना धनुष बाण निकाल लिया। ठीक है, तुम स्वभाव से निपटो, मैं मारीच को देखता हूँ। यह कहकर राम ने एक बाण ऐसा मारीच को मारा कि वह चिंगाड़ता हुआ 100 मील दूर समुद्र में जाकर गिरा। लक्ष्मण ने भी राक्षस सुबाहु को मार दिया। मुनियों का यज्ञ सफल हो जाने के बाद अचानक एक दिन मुनि विश्वामित्र को मिथिला नरेश राजा जनक की ओर से सीता स्वयंवर में आने का निमंत्रण मिला। उन्होंने दोनों भाइयों को पास बुलाकर कहा, राम, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का हमें निमंत्रण भेजा है, अतः हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भी हमारे साथ मिथिला नगरी चलो। इस बहाने तुम दोनों मिथिला नगरी भी देख लोगे, जैसी प्रभु की आज्ञा। यह कहकर वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ न कोई साधु संन्यासी रहता था और न ही कोई पशु पक्षी। वह आश्रम वीरान था। उस आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। उस शिला को देख कर श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से पूछा, ऋषिवर, यह पत्थर की शिला कैसी है? वत्स, यह शिला वास्तव में गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है।
जो अपने पति के शाप के कारण शिला बन गई थी। इतना कहकर मुनि विश्वामित्र ने अहिल्या की पूरी कहानी उन्हें सुनाते हुए कहा, राम, गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या अत्यंत रूपवती थी। एक बार चंद्र देवता की दृष्टि उस पर पड़ गई तो वह उसके रूप पर मोहित हो उठे। अतः एक दिन गौतम मुनि की अनुपस्थिति में वह उन्हीं का रूप धारण करके अहिल्या के शयनागार में चले गए और जब वे बाहर निकल रहे थे उसी समय गौतम मुनि आश्रम में आ पहुंचे। उन्हें देखकर गौतम मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पत्नी को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे दिया। यह शिला वर्षों से धैर्य रखे तुम्हारे चरणों की धूल पाने को व्याकुल है, अतः तुम जाओ राम और जाकर इसका उद्धार करो। मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने जैसे ही उस शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, अहिल्या पुनः नारी रूप में बदल गई और वह श्री राम के चरणों को अपने आंसुओं से धोती हुई बोली, मैं आपकी चरण धूली पाकर धन्य हुई प्रभु। मैं एक अपवित्र नारी और आप जगत को पवित्र करने वाले स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। जाओ देवी, अपने पति लोक को जाओ। राम के वरदान से अहिल्या अपने पति लोक चली गई। राजा जनक को जब मुनि विश्वामित्र के आगमन का समाचार मिला तो वह उनके स्वागत के लिए उस बाग में जा पहुंचे जहां राम लक्ष्मण के साथ ठहरे हुए थे। उन्होंने मुनि विश्वामित्र की विधिवत चरण वंदना की। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर राम लक्ष्मण का उनसे परिचय कराया। उसके बाद राजा जनक उन तीनों को अपने साथ स्वयंवर स्थल में ले गए। उस स्वयंवर में असुर और देवता भी छल से राजाओं का वेश धारण करके बैठे थे। स्वयंवर स्थल में ही एक और मंच पर भगवान शिव का वह धनुष रखा हुआ था जिसके टूटने पर ही सीता जी का विवाह निश्चित था। तभी चतुर चंचल सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर स्वर में मधुर गीत गाती हुई स्वयंवर स्थल में चली आई। सीता जी ने जब रंगभूमि में कदम रखा तो सब लोग उनके दिव्य रूप को देखकर आनंदित हो उठे। तब राजा जनक ने अपने राजभट को बुलाया और कहा, राजभट, तो हमारा प्राण इस स्वयंवर में आए समस्त वीरजनों को बता दो। राजा जनक की आज्ञा पाकर राजभट ने उनका प्रण गाकर सुनाया, हे राजागण, भगवान शिव का यह धनुष अत्यंत भारी और कठोर है। रावण और बाणासुर शरीर के भारी योद्धा भी इस धनुष को देखकर लौट गए। जो इस कठोर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को मेरी पुत्री सीता वरण करेगी। राजा जनक का प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। अभिमानी राजाओं ने तमक कर शिव धनुष को देखा, पकड़ा और कई भांति से उस पर बल लगाया, परंतु लाचार होकर लौट गए। मूर्ख राजा झुंझलाकर धनुष को पकड़ते और जब वह उसे हिला तक नहीं पाते तो लज्जित होकर वापस लौट जाते। इसी प्रकार लगभग सभी राजा उस धनुष के हाथों अपना यश, विजय और शूरवीरता हार कर बैठ गए। यह देखकर राजा जनक और उनकी पत्नी घबरा गए। उन्हें लगा जैसे उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी। इस बात से सीता जी के मन को भी दुख पहुंचा। अंत में राजा जनक ने निराश होकर कुछ कटु वचन बोले, मेरे प्रण को सुनकर यहाँ द्वीप द्वीप से अनेक राजा आए हैं, देवता और दानव भी मनुष्य का रूप धारण कर यहाँ बैठे हैं। यह बात मुझसे किसी तरह भी छुपी हुई नहीं है, किंतु इस सुंदर और कीर्तिपूर्ण धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता को पाने वाला वीर मानो ब्रह्म ने रचा ही नहीं। शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे कोई अपनी जगह से तिल भर हिला भी ना सका। कोई अपने आप को योद्धा मानकर गर्व ना करे। मैंने जान लिया है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। मुझे विश्वास हो गया है कि ब्रह्मा ने मेरी बेटी सीता के भाग में विवाह लिखा ही नहीं। उस व्यक्ति के सत्कर्म भी नष्ट हो जाते हैं जो प्रतिज्ञा को त्यागता है। अगर मुझे ऐसा पता होता कि पृथ्वी सूरवीरों से रहित है तो मैं ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करके अपनी बेटी के साथ अन्याय न करता। राजा जनक के ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण अपने आप को रोक नहीं पाए और उठकर खड़े हो गए। फिर क्रोध में भरकर वह बोले, जिस सभा में कोई रघुवंशी बैठा हो वहां ऐसी अनुचित बात कोई नहीं कह सकता जैसे कि राजा जनक ने कही है। मैं अभिमान विहीन होकर कहता हूँ कि अगर मेरे बड़े भाई आज्ञा दें तो मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर फेंक दूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ डालूं, फिर यह पुराना धनुष क्या चीज है।
लक्ष्मण जी को क्रोध में भरा देख सभा में उपस्थित सभी राजा डर कर कांपने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को शांत करके अपने पास बिठा लिया। यह देखकर मुनि विश्वामित्र पहले तो मुस्कुराए और फिर राम से बोले, जाओ राम, शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक का संताप दूर करो। जो आज्ञा भगवान। इतना कहकर राम अपनी जगह से उठकर धनुष के पास जा पहुंचे और उसे धीरे से उठाने लगे। उधर श्री राम को देखकर सीता जी की माता घबरा गई। वह अपनी देवरानी से व्याकुल स्वर में बोली कि हे सखी, कोई मुनि विश्वामित्र को क्यों नहीं समझाता कि राम अभी बालक है, वह इतने भारी और कठोर शिव धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकेंगे। नहीं जीजी, तपस्वी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहां अगस्त मुनि और कहां विशाल समुद्र, फिर भी इन्होंने उसे सोख लिया था। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे देवता भी सब उसी के वशीभूत हो जाते हैं। देवरानी ने अपनी जिठानी को समझाते हुए कहा। उधर सीता जी ने भी भगवान शिव से उस धनुष को हल्का करने की प्रार्थना की। तभी श्री राम ने फुर्ती से उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा खिलौना उठा लेता है। उसके बाद उन्होंने जैसे ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाही, वह धनुष एकाएक टंकार की आवाज के साथ टूट गया। शिव धनुष के टूटते ही उसकी गूंज चारों दिशाओं में गूंज उठी, पृथ्वी हिलने लगी, पवन तूफान बनकर चलने लगी। सब सभासद अपने अपने कानों पर हाथ रखकर चुपचाप सभी अपनी जगह पर बैठ गए। तब श्री राम ने धनुष के दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। स्वयंवर स्थल में खुशी के नगाड़े बजने लगे। नृत्यांगनाएं आत्मभोर होकर नृत्य करने लगी। सब ओर जय जयकार का जय घोष गूंज उठा। उसी क्षण राजा जनक अपने राज सिंहासन से उठकर श्री राम के पास आकर खड़े हो गए और फिर दोनों हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, हे राम, तुमने आज मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखकर एक बहुत बड़े संकट से मुझे उबार दिया, वरना मैं हर तरह से निराश हो चुका था। शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनकर भृगुकुल के कुल दीपक महर्षि परशुराम क्रोध से भरे हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही स्वयंवर सभा में बैठे कायर राजा डर के मारे कांपने लगे। राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। मुनि विश्वामित्र ने भी दोनों राजकुमारों को मुनि श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करने का आदेश दिया। परशुराम ने सबको आशीर्वाद देकर राजा जनक से क्रोध पूर्ण मुद्रा में पूछा, मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है, जल्दी उसका नाम बता, वरना मैं आज तेरा जहां तक राज्य है वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। राजा जनक डर के मारे कुछ नहीं बोले। तब श्री राम ने विनम्र शब्दों में परशुराम से कहा, भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा, सेवक वही होता है जो सेवा करे। सुनो राम, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह स्वयं ही सभा से बाहर निकल आए, वरना उसके कारण सब राजा मारे जाएंगे। परशुराम क्रोध में बोले। परशुराम जी की ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और फिर बोले, भगवान, बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ी थी, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया था, फिर आज इस धनुष से इतना मोह क्यों? अरे नादान राजपुत्र, काल के सामने खड़ा होकर तो संभल कर नहीं बोल रहा। जगत प्रसिद्ध भगवान शिव का यह धनुष क्या और धनुषियों की तरह है? हमारे लिए यह तो सब धनुष एक ही समान है महाराज। पुराना धनुष था इसलिए छूते ही टूट गया था, तो इसमें राम भैया का क्या दोष? हे सठ, तू शायद मुझे नहीं जानता, मैं संसार भर में क्षत्रिय वंश के वैरी के रूप में प्रसिद्ध हूँ। कितनी ही बार मैं अपनी भुजाओं के बल से यह पृथ्वी
छत्री विहीन करके ब्राह्मणों को दान दे चुका हूँ। मेरा यह फरसा बालकों को मारने वाला बड़ा ही भयंकर है, अतः तू मौत के डर और मेरे बीच में न पड़, इसी में तेरी भलाई है। महाराज, आपने जो कुछ कहा वह हम इसलिए सहन कर गए कि आप ब्राह्मण हैं और देवता ब्राह्मण प्रभु भक्त, और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर में कहा। यह सुनते ही परशुराम और भड़क उठे और लाल पीले होकर बोले, विश्वामित्र, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। अब तक बालक समझकर मैंने इसे क्षमा कर दिया था, पर अब यह मेरे हाथों से नहीं बच सकता। यह कहकर परशुराम ने जैसे ही लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठाया कि राम उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनती करते हुए बोले, इस बालक को क्षमा करें नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, आपका दास। स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध कैसा? ऐसे यह सच है कि रघुवंशी रणभूमि में काल से भी नहीं डरते। तब परशुराम बोले, राम, यह धनुष लो और इसे खींचो तो हमारा संदेह दूर हो जाएगा। राम ने अपने हाथ में धनुष लेते ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम को श्री राम के दिव्य रूप पर विश्वास हो गया और उन्होंने श्री राम के आगे मस्तक झुका दिया। परशुराम के शांत होते ही सीता जी की सखियां राजा जनक का इशारा पाकर सीता जी को स्वयंवर सभा में ले आईं और उनके हाथ में जयमाला लगी हुई थी। स्वयंवर सभा में आते ही उन्होंने एक नजर राम को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ी जयमाला श्री राम के गले में पहना दी। श्री राम के गले में माला पड़ते ही आकाश से देवताओं ने भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। उसके बाद परशुराम जी दोनों को आशीर्वाद देकर श्री राम की जयकार करते हुए वन को चले गए। तब राजा जनक ने उन्हें विश्वामित्र से पूछा, मुनिवर, अब जो उचित हो वह कहिए। राजन, अपना कोई दूत राजा दशरथ को बुलाने के लिए सिख अयोध्या भेज दीजिए ताकि वह श्री राम की बरात लेकर यहाँ आ जाए। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, जो आज्ञा मुनिराज। यह कहकर राजा जनक ने उसी समय अपना एक दूत अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। राजा जनक का वह दूत जब अयोध्या पहुंचा तो उसने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को राजा जनक का संदेश सुनाया। उस संदेश को सुनते ही राजा दशरथ एकाएक पुलकित हो उठे। उन्होंने राम के विवाह की खुशखबरी राजमहल में अपनी रानियों को तुरंत भेज दी। भरत और शत्रुघ्न भी उस शुभ समाचार को सुनकर महाराजा दशरथ के पास दौड़े आए तो महाराजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को आदेश दिया, बेटा भरत, तुम जाकर हाथी घोड़े और रथ सजवाओ, हमें राम की बारात ले जानी है, जो आज्ञा पिताजी। यह कहकर भरत और शत्रुघ्न खुशी खुशी वहां से बारात की तैयारी के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर बाद नगर के बाहर श्री राम की बारात सजने लगी। महाराजा दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ, कुटुंबियों, सभासदों तथा अनेक प्रजाजनों के साथ राम की बारात लेकर मिथिला नगरी पहुंच गए। महाराज दशरथ जब श्री राम की बारात लेकर मिथिला नगरी पहुंचे तो वहां के लोग बारात का वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उधर बाराती भी मिथिला नगरी की सजावट देखकर हैरान थे। राजा जनक ने अपने कुटुंबी जनों के साथ महाराजा दशरथ एवं उनके साथ बारात में आए समस्त बारातियों का शानदार स्वागत किया। वह महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ और कुटुंबी जनों को आदर के साथ विवाह मंडप में ले गए। उसके बाद राजा जनक ने अपने कुल पुरोहित शतानंद जी से विवाह कराने की विनती की। गुरुदेव, आप चारों भाइयों का एक ही लग्न मंडप में विवाह संपन्न कराइए। तब उसी शुभ मुहूर्त में राजा जनक ने सीता जी के साथ साथ अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुति कीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ संपन्न करा दिया। चारों राजकुमारों के विवाह संपन्न हो जाने के बाद
राजा जनक ने अपनी बेटियों को इतना दहेज दिया कि स्वर्ण और मणियों से मंडप भर गया। तब राजा जनक ने अश्रुपूरित नेत्रों के साथ वरात को विदा करते हुए स्नेह युक्त शब्दों में महाराजा दशरथ से कहा, हे राजन, आपके साथ संबंध जोड़कर हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। अब आप हमको अपना बिना मोल का दास समझिए, और भूल से अगर आपके आदर सत्कार में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा न कहे राजा जनक, आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति के साथ संबंध करके तो हम गौरवान्वित हुए हैं। आपने तो इतना कुछ किया कि हम उसे जन्म भर में नहीं भुला सकेंगे। इतना कहकर महाराज दशरथ ने राजा जनक को अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद बारात विदा होकर दुल्हनों की डोली के साथ अयोध्या नगरी के बाहर पहुंची। बारात के आगमन की बात सुनकर समस्त अयोध्या वासी खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने बारात के स्वागत में पूरे नगर को सुपारी, आम, केला, मौलश्री, कदम और तमाल के वृक्षों और फूलों से सजा दिया। अपने अपने घरों पर भी उन्होंने सोने के मंगल कलश लगवाए। तब नगर के बाहर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से महाराजा दशरथ ने शिव, पार्वती और गणेश जी का विधिवत पूजन किया और उसके बाद नगर में प्रवेश किया। राजमहल के द्वार पर अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं की अगवानी और स्वागत के लिए तीनों माताएं सोने का थाल लिए प्रसन्नता पूर्वक खड़ी उनके आने की राह देख रही थीं। और जब उनके चारों पुत्र अपनी वधुओं के साथ द्वार पर पहुंचे तो माता कौशल्या ने उन सबकी आरती उतारी। माता कैकेयी ने उन पर अनेक प्रकार के गहने, वस्त्रादि नौछावर कर भिक्षुओं और ब्राह्मणों को दान दे दिए। वेद की विधि तथा कुल की रीति के अनुसार तीनों माताएं अर्ध पावड़े देती हुई पुत्र वधुओं को अपने पुत्रों सहित राजमहल के अंदर ले आईं।